दोस्तों यार ऑलमोस्ट उतनी प्राइस की है जितनी की रेंज रोवर है। वाओ दोस्तों BMW इज सिक। ये भी अच्छी लगी दोस्तों हमको X4। 92 प्लस टैक्स है कुकू, 1 लाख से ऊपर की पड़ेगी। गाइस BMW लैंगली से इतना बकवास एक्सपीरियंस रहा है, बंदा इतना रूड था, ठीक है। और मतलब मैं सीरियसली बताऊं, मैंने कंप्लेंट भी करवाई है मैनेजमेंट में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों मैं सुबह सुबह रेडी हो गई हूँ क्योंकि मेरे को सुबह सुबह एक मीटिंग करनी थी एंड वो हो गई है खत्म। एंड बहुत जोर की अब भूख लगी है क्योंकि कुछ खाया नहीं है सुबह से। एंड लेट्स ईट। तो अंडे बॉईल करने रख दिए हैं एंड मेरा एवोकाडो हो गया प्रॉपरली राइट। दिस इज गोइंग टू बी आवर ब्रेकफास्ट। दोस्तों बहुत दिल है कि सुबह सुबह एवोकाडो एंड एग के साथ एक टोस्ट ब्रेड का भी हो जाए, बट मैंने देखा है कि ब्रेड स्लाइस में, एक ब्रेड स्लाइस में 4 teaspoon ऑफ शुगर। सो भाई अगर 4 teaspoon ऑफ शुगर एक ब्रेड स्लाइस में है, आई वुड प्रेफर कि मैं वो टीस्पून अपनी चाय के कप में डाल लूं। बिकॉज इंडिया में गाइस मैंने बहुत पेला है, आपने देखा ही होगा, स्प्रिंग रोल, मोमोज, एवरी सिंगल डे। फियांचो स्टिल उसने बहुत मतलब कि मेंटेन किया क्योंकि उसने इनफैक्ट रिड्यूस किया 5-6 kgs तो उसने रिड्यूस किया है। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग उठ गए सुबह 4 बजे गाइस, ये 15 मिनट लेट उठी थी, मैं 4 बजे पूरा एग्जैक्ट उठ गया था। एंड अभी टाइम हो रहा है 7 o'clock गाइस। सुबह सुबह उठने का मजा ही अलग है, बट यार ये बहुत अजीब हो रहा है कि हमें रात को बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी नींद आ जाती है। मतलब अराउंड 7 or 8 o'clock तो भाई मेरे को बेहोशी चढ़ती है, बेहोशी कि मेरे से उठा ही नहीं जाता। तो भी हम बस यही कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे कि क्या वो वाला पुराने वाला तरीका बेटर है जब हम लेट नाइट तक जागे करते थे, वॉक पे जाते थे। तो अभी जाएंगे फिशी। भाई मेरे से तो 8 बजे का उठा नहीं जाता, मैं सच बता रहा हूँ। देखो अंडे तो मैं 1 सेकंड में खा लूंगा, प्रॉब्लम मुझे इतने बड़े एवोकाडो से है। अरे ये बहुत बढ़िया, इसी से तेरे आप जाएंगे। एब्स नहीं आते इससे, क्रीम आएगी, बट गुड फैट। नहीं नहीं, इट्स ऑल गुड। अगर आपने कल का हमारा ब्लॉग नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर लेना। कल हम टेस्ला की फर्स्ट टेस्ट ड्राइव लेके आए थे, आज हम जाने वाले हैं रेंज रोवर और BMW की शोरूम टू चेकआउट दोस कार्स। हमने BMW की भी इलेक्ट्रॉनिक कार देखी है, वो भी चेकआउट करेंगे। एंड मैंने ये देखा है कि अगर बाई चांस अपने घर से हम बैंफ जाते हैं टेस्ला में, ठीक है, तो हमें 3 बार चार्ज करना पड़ेगा। एक बार तो सरी में, एक बार जाना पड़ेगा कैमलूप्स में, कहीं 65 मिनट चार्जिंग करनी पड़ेगी। अच्छा। एंड एक बार गोल्डन में कहीं पे जाके। गाइस एवोकाडो और अंडे खाते हुए कीरत की सांस से मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है। It's not that bad guys, खा सकते हो, मतलब हेल्दी है यार, अगर हेल्थ के लिए कर रहे हो तो जो मर्जी खिला दो। दोस्तों मैं सोच रही हूँ सुबह सुबह लंच भी बना दूं और मेरा निबड़ेगा काम। दोस्तों मुझे कपड़े चेंज करने पड़े बिकॉज मेरे को लगाना है तड़का एंड मैं नहीं चाहती कि मेरे न्यू कॉट सेट में कोई तड़के वाली स्मेल आए। सारी सामग्री निकाल ली है मैंने तड़का लगाने के लिए। सुबह सुबह लंच का काम खत्म करेंगे, प्याज खुद तो चॉप किए नहीं, मशीन में करे, फिर भी ऐसे आंसू आ रहे हैं मेरे। देखो साथ में मम्मा से बात भी कर रही हूँ, मम्मा मेरे को कह रहे हैं यूज्ड टू हो जाओगे धीरे धीरे बेटा, कोई बात नहीं। तो मस्त मेरा तड़का भून गया है, आपकी कुकू ने चने बना दिए हैं मस्त मस्त। दोस्तों 1 घंटा लग गया, नॉट गोना लाई, 9:30 हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा काफी टाइम वेस्ट हो गया, बट एट द सेम टाइम होममेड मील खाएंगे तो दैट्स गुड। अगर ऐसे लंच बना ना हो फिर ऐसे मैं और फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं क्या खाएं क्या खाएं। सो बस किशुदी ने मेरे को सजेस्ट करा था कि कुकू सुबह सुबह एक सब्जी बना दिया कर, फिर सारा दिन कोई टेंशन नहीं। ची दोस्तों हाथ नहीं जा रहा, ऊपर नमक उतारना है। फियांशी कैन यू हेल्प मी। तेरे लपड़ लगाने हैं मैंने, ये आप लोगों को यहाँ बिठाया हुआ इसने। ये मम्मा देख लो, इसने कैमरा सेट किया हुआ अलमारी में कि मैं आऊं अलमारी खोलू। खून पीती दाना भाई, जाऊं मैं, चलो गुड नाइट, चलो आ जाओ। चलो अगला स्टॉप रेंज रोवर। ये देखो किरत कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, ये फीलिंग आई थी टेस्ला में, टेस्ला अलग है बट ये तो बहुत ही अलग चल रहा है यार। सो वो वाली गाड़ी जिसमें हम इंटरेस्टेड है इवोक में, हम एकदम से इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेंगे, हमने यही सोचा कि हम प्रॉपर एक्सप्लोर करेंगे। यस
एंड फील लेंगे गाड़ी को, टेस्ट ड्राइव करेंगे। और तेरी भाई, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट ना, फील आ रही है इससे, फील आ रही है कुकू को, बड़ी तो है, पीछे छोटी है काफी, काफी छोटी है, मतलब उठी भी है। देखो गाइस, मैं तो फर्स्ट टाइम बैठा हूँ लैंड रोवर में, ठीक है, लैंड रोवर, और जिनको नहीं पता लैंड रोवर कंपनी का नाम है, रेंज रोवर गाड़ी का नाम है। सो दिस इज द कार। अच्छा, ये दो बनाने की क्या जरूरत थी, कभी लड़ाई हो जाए, है अंदर से एक ही। हाँ, क्या करना, टैक्सी आंचो टेस्ला का। ओ मूनरूफ है वो, ये तो देखी नहीं मैंने, नहीं मुझे बहुत छोटी सी लग रही है सीट, मेरे को तो बढ़िया लग रही है, और मुझे पैर भी नहीं खुल रहे मेरे यहाँ पे, सच बता रहा हूँ बहुत छोटी लग रही है भाई ये। हाँ, ड्राइविंग सीट पे आ दो, पूरा से स्टील सा लग रहा है। अच्छा, यहाँ से ये नेगेटिव है, नेगेटिव क्या, गियर डाउन नहीं, ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटिक में भी मैनुअल होते हैं ना। अच्छा 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 अच्छा, यार ये फील होती है प्रीमियम गाड़ी। हेलो, पीछे बैठ के देख, बहुत ही कम जगह है, सारा कुछ देखने दो, ओह खुल ही नहीं रहा है ग्लव बॉक्स, ओके, लेंटर से ज्यादा छोटी है पीछे से, इधर स्पीकर है। हां हां, वो स्पीकर नहीं बाबू, माइक है वो, दिस इज माइक है ना, ये स्पीकर्स हैं, और लाइट काफी कम है इसकी भी। ठीक है, लाइट्स ऑन। इतने पैसों में तेरे को मर्सिडीज में मसाजिंग सीट्स मिल जाएंगी। ऑनेस्टली मेरे को ये बहुत अच्छी लगी, क्या मूनरूफ बहुत अच्छी है, मुझे बस ये ना मतलब कि प्रीमियम बहुत लगती है, लाइक लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल, दिस इज नाइस एज वेल, ये कितना वाइड है, ये चीजें, कितने स्टर्डी है, टेस्ला का तो इतना मतलब कि ऐसे सॉफ्ट बेबी जैसा था। मूनरूफ अच्छी लग रही है इसकी, क्वाइट कूल, कंफ्यूज्ड टू बी ऑनेस्ट, टेस्ला के वाइट इंटीरियर्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, बट इसकी वो प्रीमियमनेस है, मुझे नहीं पता हम लेते हैं कि नहीं लेते, बट अगर हम लेते हैं तो वाओ वाली फीलिंग आ रही है, मतलब बचपन से सपना था, सपना, बट किश्त बहुत ज्यादा है इसकी, किश्त ज्यादा है गाइस टेस्ला से ज्यादा है। मेरे को विलार भी बहुत अच्छी लगी है, अंदर से डिटो सेम है। अच्छा, पूरी नॉर्मल, वो 12-13 हज़ार महंगी है गाइस। ये वो गाड़ी है जो हम देख रहे हैं, सुपर हॉट, वी आर नॉट बाइंग दैट, वी आर बाइंग दिस, इवन इफ यू आर बाइंग दिस, और वो भाई बहुत ही महंगी है, वो ये ईवी है शायद ये, सो दिस इज फॉर लाइक 145। टेस्ला में मैं बैठी हुई अच्छी लग रही थी, इसमें तू बैठा हुआ अच्छा लग रहा है। Guys, गाड़ी दोनों ने चलाई है और गाड़ी दिखने में और इंटीरियर वाइज सुपर्ब है, मतलब देयर इज नो डाउट कि भाई रेंज रोवर को इतना ज्यादा क्यों अप्रिशिएट किया जाता है। द ओनली इशू मुझे लगा कि गाड़ी मुझे बहुत छोटी लगी है। हाँ, फियांचु को तो फ्रंट सीट में मतलब के वो लग रहा था, जैसे मेरे पैर नहीं आ रहे थे, ठीक है, और मेरे को ये लगा कि जैसे टू सीटर, जैसे मेरे एक फ्रेंड के पास BMW है, उसे पीछे सीट लिटरली i20 से भी कम है। अच्छा, हाँ, सो बिल्कुल भी ज्यादा सीट नहीं है, बिल्कुल भी ज्यादा रूम नहीं है वहाँ पे, बट गाड़ी बहुत सुंदर है दो लोगों के लिए, अभी के लिए हम दो लोग ही हैं, और कल को हमारी फैमिली में और भी लोग जुड़ेंगे, कल को इंडिया से भी आते हैं, तो भी एडजस्टेबल है। इंटीरियर सुपर्ब है, इसमें पूरी सनरूफ और मूनरूफ भी है, ड्यूल एसीज हैं, सो वो कंट्रोल हो जाता है, ब्लैक अलॉयज है, पीछे सीट्स नहीं होंगी, बहुत रेयर गाड़ी में होती है, टेस्ला बीइंग वन ऑफ दोस, टायर्स बहुत अच्छे हैं, टायर बहुत बड़े हैं, पूरा पीछे, अगर मैं पूरा पीछे कर दूं बाबू, तेरा तो आई जाएगा, यू आर 5'4", मेरी बड़ी प्रॉब्लम आती है, सीट कैसी लग रही है, नीचे थाई पे सपोर्ट आ रहा है, बड़ी कंफर्टेबल है, और ये ब्रॉन्ज एडिशन है, ऊपर आपको ट्रिमिंग में दिख रहा होगा, साइड पे भी
फ्रंट से दिखाता हूँ, फ्रंट से ऐसा है, बिल्कुल नई गाड़ी इसके ऊपर, इसलिए ये कपड़ा सा चढ़ा हुआ है, वो रीफ मॉडल वाई जो कल देख के आए थे। एंड बेस्ट बात जो हमें पता लगी है, जो मुझे अभी तक पता ही नहीं था, आइडिया नहीं था, वो ये है कि सारी रेंजों की जो सर्विस होती है वो 32,000 किलोमीटर पे होती है। दैट्स द बेस्ट पार्ट, 1,000-1,200 डॉलर लग जाता है पर 32,000 तो बहुत दूर होता है। yeah. अंदर चलते हैं, कार्ड वगैरह लेते हैं, फिर सोचते हैं घर जाके। तो अब जा रहे हैं हम BMW। गाइस मुझे ये बहुत हॉट लगती है यार, ओह माय गॉड सो ब्यूटीफुल। दोस्तों यार उत्तरी, दिस इज समथिंग आई लव जस्ट बिकॉज ये कन्वर्टेबल है, तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे ये BMW शुरू से पसंद है, BMW ये कन्वर्टेबल वाली। सो गाइस ये है BMW X3, ऑलमोस्ट उतनी प्राइस की है जितनी की रेंज रोवर है, और कुकी क्वाड सेट से पूरी मैचिंग है। इंटीरियर से मुझे भी वही बेटर लगे, बैक ऑफ द कार X4 की स्पोर्टी लुक है। आजा, सो इसकी बैक ऐसी दिखती है। ये भी नया, तो अंदर बैठ के देख इसके, अंदर बैठ के क्या करना है, अंदर इंटीरियर इतने सुंदर है इसके। टैन लेदर ना, नहीं है। बाकी तो सेम ही है भाई, इंटीरियर सीट कवर नहीं होता, इंटीरियर ये होता है, ये सब में सेम है, इसका भी यही है और उसका भी वही है, बट दिस इज वेरी स्पोर्टिश लुक ना, दिस इज स्पोर्ट्स। वाओ दोस्तों BMW इज सिक, सो ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा सुंदर, क्या इंटीरियर्स हैं इसके। अगर हमें लेना तो हम कन्वर्टेबल देखते हैं ना, अगर हम इसमें जाना ही है। ये भी अच्छी लगी दोस्तों हमको, X4। Yes. कलर वाइज और फीचर वाइज तो काफी फाड़ है, फीचर्स ऑलमोस्ट गाड़ी में शायद सेम ही है। बाबू ये तो फैल ही गई है, मैंने देखा है 92 तो भाई बहुत ज्यादा हो जाएगा, 92 प्लस टैक्स है कुकू, 1,00,000 से ऊपर की पड़ेगी। हाँ ये सारी एम खड़ी हुई यहाँ पे। तो मुझे ये बता क्या हम पेट्रोल में देख रहे हैं या क्या कर रहे हैं, दोनों करेंगे इवैल्यूएट। वो लीस्ट इंटरेस्टेड है क्या, दोबारा बंदा हमें दिखा रहा है, वो बिल्कुल लीस्ट इंटरेस्टेड है हमें दिखाने में। गाइस BMW लैंगली से इतना बकवास एक्सपीरियंस रहा है, कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा मैं किसी को, बंदा इतना रूड था ठीक है, और मतलब मैं सीरियसली बताऊँ, मैंने कंप्लेंट भी करवाई है मैनेजमेंट में, रेसिस्ट था या नहीं था पता नहीं, बट बंदा बहुत ज़्यादा रूड था, तो ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि ऐसा हो, स्पेशली मतलब आप सोचो आप 80-90,000 डॉलर की गाड़ी खरीद रहे हो और उसको आपको ऐसी सर्विस मिले। कहाँ जाना मैडम नेक्स्ट, अब तो कुछ खाना है, फिश ही कुछ खाना है, घर चलते हैं, मैं तो कह रही हूँ चलो। दोस्तों मैं बड़ी ही खुश होके BMW गई थी, एंड अंदर जाके ना मेरे को सारी गाड़ियाँ अच्छी लग रही थी, सारी इन द सेंस आई लव्ड द कन्वर्टेबल जो वहाँ पे खड़ी हुई थी, और पहले तो मैंने वो देखी, वो बहुत अच्छी लगी, फिर मैंने उसी कन्वर्टेबल में एक हार्ड टॉप देखी थी ग्रीन कलर में, वो भी बहुत सुंदर लग रही थी गाड़ी कूप। फिर व्यांजु मेरे को कह रहा था X3 इज फुली इन बजट की रथ, वो भी देख ले, वो मुझे ओके ओके लगी। फिर मैंने X4 देखी, X3 काफी अच्छी थी बाय द वे, X3 और फिर X4 देखी, वो भी मुझे अच्छी लगी इफ वी आर गोइंग फॉर SUV। बट सच्ची कह रही हूँ कि एक्सपीरियंस जो वो सेल्स गाय का एक्सपीरियंस था ना, उसने मतलब कि मूड ही ऑफ कर दिया, बहुत ही रूड था, बहुत ही जीप था, मतलब कि BMW के पास इतनी सारी ऑप्शन थी सच में, कि वो कोई कस्टमर बाहर जाने ना दे, तुम हाँ। ये चाहिए तुम ये लो, क्योंकि सारी गाड़ियों में मैं इंटरेस्ट दिखा रही थी, मैंने कहा ये भी बड़ी अच्छी लग रही है, ये भी बड़ी अच्छी लग रही है, और वो कह रहा बंदा मतलब कि बहुत ही ज्यादा मतलब कह रहा निकलो यार तुम घर जाओ, बैड एक्सपीरियंस हुआ, कह रहा कि आप पहले सोच लो तुम, उसने ये भी बोला था ना तुम घर पे जाके देख लो, लैपटॉप अपने घर जाके देख लेना, हाँ घर पे जाके देख लेना भाई, वो थोड़ा था फ्रस्ट्रेटेड, फिर बाद में मैनेजर वगैरह आया, उसने अपोलोजाइज किया, बट तब तक तो मूड ही ऑफ हो चुका था। हाँ। और पता क्या कहता, मतलब हमने कहा टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं, कहते ये गाड़ी तो टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल नहीं है, लैपटॉप पे दिखाया है, उसे कसम लगे, कहता फिर ऑर्डर कर दू सच्ची। और अभी हम भाई 15 मिनट के अंदर अंदर हम मतलब के X4 ऑर्डर कर दें, और पता क्या कह रहा, हम कह रहे कि टेस्ट ड्राइव, We don't have demo car. Understand? मतलब जैसे मेरे को इंग्लिश नहीं समझ में आ रही
और एक ही बार ही बोला था हमने डेमो कार के लिए, नो सच में कह रही हूँ, एक ऐसा भी नहीं हमने बोला कि भाई हमें बस बोला वी वांट डेमो कार, ऐसा कुछ नहीं बोला। नहीं हमने टेस्ट ड्राइव के लिए बोला, टेस्ट ड्राइव के लिए बोला, तो हमने बोला टेस्ट ड्राइव लेके तो ये है ही नहीं। मैं कहा तो उसका सिमिलर मॉडल कोई ऊपर नीचे होगा ना, वी डोंट हैव डेमो कार। और 10 मिनट बाद मैनेजर जब आया तो मैनेजर कहता कि तुम्हें सिमिलर मॉडल टेस्ट ड्राइव करवा देता हूं आपको, तो मैं कहा यही तो मांग रहे थे इस भाई साहब से। मतलब सच्ची यार इट वाज नॉट गुड, बट टेस्ला और रेंज रोवर का जो एक्सपीरियंस था, जो कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस था, बहुत ही स्वीट थे दोनों, बहुत ही अच्छे थे, वेरी नाइस। मतलब कि वो पूरी पेशेंटली आपको टाइम देते हैं, बता रहे हैं कि इसमें इतना फर्क है, इसमें ये है। वहाँ पे भी हम डिस्कवरी के बारे में पूछ रहे, दो हमने बोला कि भाई हमारा बजट इवोक तक है, बट डिस्कवरी भी बढ़िया लग रही है, उसके बारे में भी बता रहे हैं, डिफेंडर के बारे में भी बता रहे हैं, है ना। तो ये तो भाई कह रहे हैं कंप्यूटर पे जाके देख लेना, चलो छोड़ो कोई नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम बीएमडब्ल्यू को पूरा रिजेक्ट कर रहे हैं। हम अभी भी घर जाके पूरा बीएमडब्ल्यू देखेंगे गाइस, तो इस डीलरशिप से ना किसी और डीलरशिप से ले लेंगे, देखते हैं। वैसे तो मैनेजर का सॉरी सॉरी मैसेज आ गया है, तो क्यों किसी एक बंदे के पीछे अपना मूड खराब करना, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। बट मैं एक बात एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, मैं लिटरली ओवरवेलम्ड हूँ। एक जेन्युइनली एक सपना था ऐसी वाली गाड़ी कभी ओन करना, अभी तक नहीं किया, वो भी सपना ही है, बट वो सपना इतनी सीरियसली सच होता हुआ दिखता है, ठीक है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, चाहे टेस्ला है, चाहे बीएमडब्ल्यू है, चाहे रेंज रोवर है, ये सारी एक ही सेगमेंट की बहन भाई है, बट वो जो फीलिंग आएगी टू ओन अ कार लाइक दिस, लाइक समथिंग एल्स। टेस्ला की अगर मैं बात करूँ, स्पीड इतनी फाड़ है, मतलब रेंज रोवर भी ऐसे लगी कि धीरे धीरे चल रही है, गुचुक गुचुक, टेस्ला भाई हवा में ही बातें करती है, बट रेंज रोवर की जो उठी उठी सुपीरियर क्वालिटी इंटीरियर और एक्सटीरियर है, सुपीरियर क्वालिटी, दैट इज वाओ। और बीएमडब्ल्यू तो यार, मेरे को सच्ची बताऊं, दैट कूप मॉडल ग्रीन कलर आउटसाइड और अंदर से वो जो ब्राउन टैन कलर, प्रैक्टिकल नहीं है बाबू, क्योंकि ना वो सेडान की उसमें आ रही है ना उसमें आ रही, चार बंदे भी नहीं बैठ सकते, सुंदर थी वो, बड़ी। सो स्टे ट्यून्ड, जुड़े रहना, घर जाके हम खाएंगे छोले चावल, सुबह सुबह बना के आ गया था। एंड अभी आप देखो सुबह के उठे हुए हैं, काफी काम किया हमने, फिर मैंने कुकिंग भी करी, फिर हम गाड़ी भी देख कर आए, और अभी हुआ है सिर्फ 1:30 गाइस। फिर शाम को जाएंगे हम जिम, दोपहर को जाएंगे जिम, एंड उसके बाद एक गाड़ी और देखने जाएंगे हम, जाएंगे हाँ। कौन सी जिम के बाद देखेंगे ना, कौन सी फोर्ड देखने जाएंगे, जो फोर्ड ब्रोंको वगैरह नहीं देखनी आज के लिए, मुझे लग रहा है कि अभी और मेरे को काम करना थोड़ा सा पेंडिंग, फिर तू ही मेरे को बोलेगा कि कुकु ये हुआ, मस्टैंग देख लेते हैं। मस्टैंग तो बड़ा ही किल्लत होगा यार, मुझे बस ये लगता है कि कन्वर्टेबल की अभी उम्र है यार, बस यही चीज है, इसीलिए मेरा कूप के ऊपर दिला, जब तक सर पे बाल है दोनों के। ये देखो इतना नाराज चल रहा है ये, का हो ऑफिशी, नोबडी लव यू, आई लव यू सो मच, एंड फॉलो दीज रूल्स ऑर्गेनिक कट के लिए। हाशी पता ही नहीं आ रहा, आप ही बताओ, कोई दे रहा है मुझे 80% डिस्काउंट गाड़ी पे, नहीं और कुछ। हेलो फ्रेंड्स, चावल खा लो जिनका भी दिल टूटा है, चावल खा लो, मेरा दिल टूटा। दोस्तों अगर किसी का दिल टूटा हुआ है तो मेरी बीवी के हाथ के छोले चावल खा लेना, दिल जुड़ जाएगा, बहुत ही स्वाद है, बहुत स्वाद, सच्ची बता कसम लगे। कॉफी टाइम, आई हैव फिशी पी रहा ब्लैक कॉफी, मैं पी रही हूँ दूध वाली, थैंक्स फिशी। सुपर हैप्पी बिकॉज जो फ्यांचु वर्कआउट कर रहा था आज मैं वही वर्कआउट कर रही थी, बिकॉज आई वॉज मिसिंग हिम सो मच। मेरे को मैं हफ्ते से स्ट्रेचिंग कर रही थी एंड फ्यांचु डिफरेंट वर्कआउट कर रहा था, एंड गौरव भाई ऐसे फ्यांचु ट्रेनिंग लेता है, एंड आई वॉज लाइक मेरा डिफरेंट होता है, बट आज मेरा सेम वर्कआउट हुआ है, आई एम सुपर 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 हैप्पी। सारी बातें एक तरफ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी ने मलाइका अरोड़ा वाली वॉक दिखी थी जिसका बहुत मजाक उड़ा था, ठीक है, मैं यहाँ पे वो क्लिप डाल दूंगा जस्ट फॉर योर रेफरेंस, मैं एग्जैक्टली वैसी वॉक कर रहा था। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो भी उसका वो वॉक का मजाक उड़ा रहे थे भाई, तुमने फिर लेग डे कभी ढंग से लगाया नहीं है भाई, लेग डे के बाद सच में इट्स रियली टांगे अपने काबू में नहीं आ रही थी, कहीं और ही जा रही होती है, कांप रही थी मैं भी। जितने भी जिम लोग हैं जिनको वर्कआउट से तैयार है वो वाउच कर सकते हैं भाई, लेग डे तो मेरी टांगे ऐसे 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 जा रही है। मुझे ये टाइमिंग अच्छे लगे जिम के, तुझे नहीं अच्छे लगे, क्योंकि हम बीच में जाते हैं अपना वो छोड़ के। नो नो नो, हम
आज हम दोपहर को आए वर्कआउट करने, लेट आफ्टरनून आए गाइस एंड मुझे अच्छा लगा है। जब तक ये वर्कआउट करते रहेंगे हमेशा मिस होता रहेगा, सुबह कोई बहाना नहीं होता मिस करने का। गाइस गेस व्हाट, हम कहां जा रहे हैं? हम जा रहे हैं टेस्ला सुपरचार्जर लोकेशन पे, जहां पे हम पूछेंगे टेस्ला ओनर से कि भाई बैटरी एंजाइटी क्या आपको भी होती है? तो बेसिकली टेस्ला लेने के लिए सबसे ज्यादा होती है रेंज एंजाइटी, और उनके लिए बिल्कुल टेंशन फ्री जिनके घर पे चार्जर है, हमारे पास तो ऐसी कोई ऑप्शन है नहीं। yep. तो अब उनसे पूछना चाहते हैं जो लोग यहाँ पे सुपर चार्जर पे आए हुए हैं, यहाँ जाना है कहाँ जाना है कि भाई क्या टेस्ला विदाउट होम चार्जर चल जाती है, कितनी बार तुम्हें आना पड़ता है, क्योंकि जो एक्चुअल कंज्यूमर है वो बता सकता है। मैंने ऑनलाइन सारा फीडबैक वगैरह पढ़ लिया बट कुछ भी ऐसे मेरे आंसर नहीं मिले कि मैं 100% सेटिस्फाई हो जाऊं। ओह माय गॉड दिस इज हॉट, तो बहुत ही कम है। 17 स्टॉल्स है, ओनली टू टेस्लास आर चार्जिंग राइट नाउ। देखो गाइस इतनी महंगी गाड़ी लेने का मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता, क्या ले लिया मैंने। हालांकि टेस्ला की सेकंड हैंड मार्केट बहुत है, मतलब बेच सकते हैं उसको, बट क्यों बेचने के लिए लेनी। बंदा मिला मतलब सुपर नाइस, हमने 15 मिनट बात करी उसके साथ और भाई वो जा रहा है अभी, ठीक है। एंड मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वेरी स्वीट गाय भाई। हमने मतलब सच में उससे इतने क्वेश्चन पूछा, अगर मेरे से भी कोई पूछता ना तो मैं भी कहता भाई मैं बेच नहीं रहा, बट उसने तो ऐसे कन्विंस किया कि भाई टेस्ला के अलावा सोचना भी मत। मतलब मुझे लग रहा है गलत बंदे से बात कर रहा था, फुल चार्ज $19 में हो जाती है। हाँ तो उसने ये बताया कि फुल चार्ज वो लेता है $19 उसकी एवरेज भी लगता है। हाँ। मंथली उसका खर्चा आता है $180, बट वो भी ड्राइव्स अ लॉट, साल का 40,000 किलोमीटर चलाता है, हमने सिर्फ 10 चलानी है। हाँ। 10,000 किलोमीटर विच इज नथिंग। मैं फिशी को कह रही हूँ आज हमने इतना कुछ देखा तेरे लिए, नहीं मेरे लिए भी, बट मुझे कॉस्को जाना है दोस्तों। अगर मेरे लिए देखा ना टेस्ला, कैन वी गो टू कॉस्को प्लीज, टेस्ला में तेरा एक पैर बाहर रहेगा प्लीज। गाइस सब कुछ सोच के हमें अभी तक यही लग रहा है कि टेस्ला ही फाइनलाइज हो रही है, हालांकि हमें रेंज रोवर बहुत सेक्सी लगी है, बट दोबारा से दिमाग में यही है कि लेट्स गो ग्रीनर, ईवी की तरफ जाओ, जो टेस्ला की टेक्नोलॉजी है बस उसके ऊपर दिमाग में आया हुआ कि भाई। और भाई इतनी बढ़िया रिबेट्स मिल रही हैं, व्हाई डू यू वांट टू लूज दैट, मस्त लगती है मेरे को तो टेस्ला वैसे। मतलब अगर ईवी है हम बाकी वगैरह इसलिए सोच भी नहीं, नो डाउट इट्स टू प्लेन ये वो, बट भाई नहीं, वो तो मिनिमलिस्टिक एक फीचर है, एक फील है, बट मैं ये कह रहा था कि अगर हम बाकी वगैरह इसलिए दे रहे हैं, अगर ईवी जा रहे हैं तो टेस्ला से ऊपर कुछ है ही नहीं। ईवी अभी हम बात भी करी सुपर चार्जिंग सारी, अभी टेस्ला की ही अवेलेबल है, बाकी तो बहुत टाइम लगा देती है अनलेस यू हैव अ होम चार्जर, वरना हम पक्का ले लेते दूसरी कोई ईवीज वगैरह। हाँ। अगर होम चार्जर होता नहीं, शायद तभी टेस्ला की तरफ इंक्लिनेशन रहता, क्योंकि जो इलोन भैया यार बाकी सारे है ना बहुत धीरे धीरे अपडेट देती है, फोर्ड वगैरह गाड़ी कंपनी स्लो स्लो चलती है, टेस्ला इज अ टेक कंपनी, जो बंदा यार मून पे चांद पे रॉकेट भेज रहा है, ठीक है वो अलग ही चीज चल रहा है। इलोन भैया पे मेरे को बहुत भरोसा है, बस सिर्फ इलोन मस्क की वजह से हम टेस्ला ले रहे हैं, जैसे स्टीव जॉब्स की वजह से लोग एप्पल पे भरोसा करते थे ना, सेम चीज है उसके साथ, सोचते हैं अभी भी जगह मेरे को टेस्ला ही दिखती रहती है। टेस्ला तो वैसे भी बहुत दिखती थी। मैंने कीरत को कह रहा हूँ वो टेस्ला वाली आंटी से पूछ के, क्या आर यू हैप्पी विद द परचेस, हेलो आंटी कितने चार्ज कर दे हो सर सुपर चार्जर लगा आंटी कर ही चार्ज कर दे पीछे। दोस्तों मुझे पर्सनली लग रहा है अगर टेस्ला हम ले लेते हैं हम काफी खुश रहेंगे, क्योंकि कहीं से और बात की है तो पता लगा रेंज रोवर की ना सर्विस बड़ी वो है खून पीने। मेरी मैनेजर थी उसने मेरे को बताया था कि उसके भाई के पास थी एंड शी वाज नॉट ही वाज नॉट हैप्पी। नहीं मैंने भी बहुत जगह ऐसे कई बार ऐसे रुक जाती है रेंज रोवर सुने। अरे इनफैक्ट जिससे हम आज बात कर रहे थे जिसकी सर्विस बंदी बहुत सही थी, मेलिसा नाम था ना उसका। हाँ। तो मेलिसा खुद ही कह रही थी वो विलार चलाती है रेंज रोवर, कहती है देखो कभी कभार ऊपर नीचे होता है कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर इश्यूज है काफी। हाँ? ब्लूटूथ काम करना बंद कर देता है कई बार, कि तुम बहुत परेशान हो जाओगे बट कभी कभार होएगा। तो मेरी खुद ही हंसी छूट गई थी, मैं कहा बहन या तो तू सेल्स में नहीं है तो तू बहुत ऑनेस्ट है, बट वो बंदी स्वीट थी काफी अच्छी थी, बहुत अच्छे से ट्रीट किया। वो भी टेस्ला वाली बंदी कितनी अच्छी थी, बारिश में भीग के बेचारी बता रही थी। टेस्ला फन है यार, ले ले फिर। दोस्तों इतना घमासान ट्रैफिक है तो ये ले आई यहाँ पे, मना भी किया था। देखा इसकी आड़ में फटाफट क्रॉस कर ली, कनाडा वैसी गाड़ी रुक जाती है। कीरत को मैंने दिए एग्जैक्टली 10 मिनट, 10 मिनट में यहाँ से निकला है हर हालत में, घर जाके बहुत काम करना है। कुकू दैट्स नॉट द आई,
इसको मैंने पहले बता दी, गलत में मत जा। मैं कह रहा था व्लॉगिंग पीछे अंकल ने इतनी गंदी घूरी दी है ना। दोस्तों चिया सीड्स ले रही हूँ सो दैट आई कैन मेक चिया पुडिंग। कॉस्को वाली टी शर्ट चाहिए थी, बेंच की है, ये क्वालिटी ना अच्छी नहीं है। कोकलैंड वाली टी शर्ट खत्म कर दी शायद इन्होंने, वो काफी अच्छी टी शर्ट्स होती थी ना। दोस्तों कोकलैंड वाली टी शर्ट्स नहीं है, वो बंद हो गई है, वो काफी अच्छी क्वालिटी थी। ये देखो गाइस इसको क्या है, प्लीज सुबह कौन अपना पेट दिखा रहा था मुझे, ये बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। आटा अभी नहीं खाना, अभी वैसे ही कल एक मील खा सकते हैं आटे की। कल परसों शादी पे जाना ना, वहाँ पे होगा कुछ ना कुछ तो खा लियो, वहाँ पे एक चपाती सैलेड खाएगा, वहाँ सैलेड खाएगा, घर पे आटा खाना इसको, वहाँ खा लियो एक बाइट। चल मैं पनीर लेने जा रहा हूँ, चलना साथ पनीर लेने चलना, चल रहा है साथ, चलो। दोस्तों जितने लोग नए हैं, ये वाला गोलगप्पे का पानी ट्राई करना, बहुत टेस्टी होता है, और इन सतारजी वाले का भी ठीक होता है, बट एक और ब्रांड है वो मेरे को याद नहीं आ रहा, विद्या करके होता है, ऐसे वाले गोलगप्पे लेना है, $60 का पूरा डब्बा, वरना बाहर बहुत महंगी पड़ेगी। हाँ ये है शायद, वो नहीं ये तो सतारजी वाला ब्रांड है। नो मखाने, कीप इट बैक, पूरा डाइट चलेगी कम, पनीर नहीं मिल रहा ये रहा। ये लड़की को मैं लाया क्यों, कुकू कुकू कम है, पनीर का बड़ा पैकेट नहीं है। ये दोनों पनीर सेम रेट के मिल रहे हैं, वैसे यूजुअली 599। मलाई वाला महंगा नहीं होता, चल मैं दो ले रहा हूँ पैकेट। बाबू वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग योर डाइट, नो बाजरा कीरत, मैं सच कह रहा हूँ वापस रखते, क्योंकि अभी डाइट फॉलो करनी है। फिर तू देख ले तो मेरी डाइट से, मैं नहीं तेरे को ना सिखाऊंगा वो वर्कआउट, ना ही मैं तेरे को डाइट बतानी है, कीप इट बैक। बाबू महीने की बात है, एक बारी महीने तक हमें वो हो जाएगा, फिर उसके बाद खिलाऊंगा तेरे को, पक्का प्रॉमिस है। मुश्किल से शुगर छुड़वाई है ना तेरी, दो दिन से लड़ाई चल रही है शुगर छुड़वाने पे, आज तीसरे दिन इसको थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, बॉडी ने खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दी है शुगर, बॉडी अपने आप करेगी सारी चीज़ें पूरी। हमारी एक फ्रेंड है, उसकी एब्स बनी हुई है, स्नेह जैसी बॉडी चाहिए, स्नेह जैसी बॉडी चाहिए, बस चलो फिर स्नेह स्नेह आटा नहीं खाती, वो कीनुआ खाती है। या तो इसको बोलो गाइस मेरे साथ वॉक पे चले, वरना चलो सोने चलते, गुड नाइट होगी, ये 8:15 हो रहे, मुझे नींद आने लगी है। सुबह 3-4 बजे के उठते हैं यार हम, थोड़े वॉक पे चलते हैं ना, जैसे पहले जाते थे, अच्छा लगे वॉक करे, तेरे को बड़ा अच्छा लगे, तू भी आलस मार रही है और कुछ नहीं, मेरे को भी ठंड लग रही है, बैठे बैठे 10 मिनट क्या हीटर ऑन कर देता हूँ। गाइज अगर ये पैटियो के लिए मना कर रही है, वैसे तो मैंने भी नहीं बैठना था, बट अगर ये पैटियो के लिए मना कर रही है तो इसको सच में ठंड लग रही है, चल सोने चलते हैं। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइज कमेंट करके बताना, 90% तो हम दोनों कन्विंस हो गए टेस्ला के लिए, बातें यही कर रहे हैं सुबह से कि कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी, इंटीरियर सोच रहे व्हाइट कर ले, कलर कौन सा होगा वो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता लग जाएगा। मॉडल 3 के लिए कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि मैंने मॉडल वाई और मैं मॉडल 3 में बैठा, वाई मुझे प्रॉपर एसयूवी नहीं लग रही और 3 से मुझे स्पोर्ट्स वाली फील आ रही है, सो एटलीस्ट किसी एक डायरेक्शन में मूव हो जाए प्रॉपरली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गाइस डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट कर देना कि अगर आपको दिमाग में कोई और आइडिया आ रहा हो, ठीक है। हमारे ब्लॉग्स ज्यादा दूर नहीं चल रहे, साथ साथ ही चल रहे हैं, ठीक है, तो घबराना मत, हम आपका कमेंट पढ़ लेंगे, उस हिसाब से हम प्लान कर लेंगे गाड़ी का। अगर हमने गाड़ी बुक भी कराई तो कैंसिल भी हो जाएगी अगर कोई बहुत तगड़ा कमेंट आ गया आपका, ठीक है, चलो बाय बाय।